कहां चल रहा था, आप दिख रहे हैं कहां चैनल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो कि कमेंट्स करते हैं कि मैम अपने स्टूडियो कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं मेरा स्टूडियो काजल अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज बिहार में पड़ता है। जी हाँ, याद रखिए जिला गोपालगंज बिहार में पड़ता है। तो आप सब का स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी स्टूडियो में कहाँ से चलकर एक जेंट्स मैं आए हैं, क्या नाम है, क्या गाएंगे, कौन सा गाना लेकर आए हैं। तो सबसे पहले ये रहे हमारे सिंगर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद प्यारा मांझी। क्लियर बोलिए। प्रमोद प्यारा मांझी। प्रमोद प्यारा मांझी, अच्छा कहाँ से आए आप? मैडम मैं राजस्थान से आया हूँ, चल के मैं वहाँ काम करता हूँ। सुना है आप स्टूडियो है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आया हूँ चल के। ये जो सामने बैठे हैं अंकल जी, उनसे बात हुआ और उसके बाद मैं यहाँ तक आया। अच्छा, यही हिसाब किया है यहाँ तक। अच्छा, यही सपोर्ट किया है। तो आपको बता दें मेरे पापा ने, आप जितने भी लोग देख रहे हैं यूट्यूबर, आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे पापा हैं, उनका नाम बाबा वशिष्ठ तिवारी जी है। और आप लोगों की बात इनसे होती है, इनसे भी होती है, हमसे भी होती है और हमारे हस्बैंड जी से भी होती है। आपको जिससे भी बात होगी सही जगह बात होगी, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे प्रमोद जी जो कि पापा के माध्यम से आए हैं। तो प्रमोद जी ये बताइए, राजस्थान गुजरात यहाँ कब चले हैं राजस्थान से? मैं जी कभी तो हूँ, 20 तारीख के 11 बजे रात को मैं गाड़ी पकड़ा हूँ यहाँ भी रात को पहुँचे, तो बात हुआ दीपावली से तो उस वाले। अच्छा, यानी रात 2 बजे तक पहुँचे यहाँ, उसके बाद बाबा से बात हुआ तो आपको लेकर गए। चलिए अच्छी बात है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं, रूम वूम का हर एक चीज का व्यवस्था है, फ्रेश हो गए, खाना खा रहे हैं? खा रहे हैं, पूरी सब्जी खा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो प्रमोद जी ये बताइए कि किस टाइप का आपका शौक है, क्या गाइएगा आप? जी हम हिंदी गाएंगे। हिंदी गाइएगा, आप सुनाइए मुझे कितने किस टाइप का आपके शौक है गाइए। तू मुझे को कि पब्लिक ही सब कुछ है, यही आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम तो जानते हैं कि आप लोग का ही सपोर्ट है। हाँ, तो हम कहेंगे सामने देखिए और गाइए, गाइए फिर से गाइए। तू मुझको लिखा है। गाना खुद लिखे
क्या बात है। राजस्थान से भी मेहनत करके यहाँ तक हम अकेले ही आए हैं। अच्छा, तो मैं घर तो नालंदा बता रहा था। आधी नालंदा जिले में। अच्छा, नालंदा घर है, राजस्थान में काम करते हो। हाँ, और वहीं पर गाने का तैयारी करते हो। बहुत सुंदर गाना लिखे हो, और हम यही पब्लिक से कहेंगे कि इस बच्चे को आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि पूरे प्रकार से ये लड़का अलग हट गया है। इसको अपने हाईलाइट की जरूरी नहीं है, केवल अपना अंदर का जो चीज है आप लोगों के सामने पेश कर रहा है और बचपुरिया को सुधारने का कोशिश कर रहा है। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, इस बच्चे को आगे बढ़ाइए और काजल भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप बढ़िया से मेहनत करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि लड़का का आवाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाता है। थोड़ा एक बार म्यूजिक पर डाल दो बच्चा। और पापा, मैं चाहूंगी कि हमारे स्टूडियो काजल मुखर्जी कोरिंग स्टूडियो में हर तरह का सिंगर है क्या, ताकि हमारे चैनल से हर तरह का गाना जाए पब्लिक के बीच में, ताकि पब्लिक समझे कि हाँ काजल मुखर्जी कोरिंग स्टूडियो से हर तरह का गाना आता है, जिसको जो पसंद हो सुने। बिल्कुल, तो आज ये नया झलक लेकर आए हैं हमारे प्रमोद जी, तो चलिए प्रमोद जी एक बार आप म्यूजिक के साथ गाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रमोद जी का गाना कैसा लगा। एक और चीज, मेरा एक और चैनल है आराध्या अनोखा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आराध्या अनोखा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। Oh,
साथ लेते हैं। और एक चीज और, जो वर्ड बोल रहे हैं उसको क्लियर बोलिए, साफ साफ, मतलब क्या गाना नहीं सुनना। अब आप बहुत सुंदर है, गाना भी अच्छा लिखे हैं, तो क्लियर गाना, ठीक है? तो बीजी के साथ लेते हैं। सपोर्ट है, पापा का पूरा सपोर्ट है, बस आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। यही तक